कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने सोमवार को वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा संविधान के तहत वन नेशन वन इलेक्शन की नीति कतई संभव नहीं, इसके लिए एक दो नहीं बल्कि कम से कम 5 संवैधानिक संशोधन की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास लोकसभा या राज्यसभा में इन संवैधानिक संशोधन को पेश करने के लिए पर्याप्त संख्या भी नहीं। पिछले महीने ही स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में पीएम ने वन नेशन वन इलेक्शन की जोरदार वकालत की थी और ये कहा था कि बार बार चुनाव देश के आगे बढ़ने पर बाधा बन रहा। इसके बावजूद भी राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी कि सरकार जल्दी इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकती। इन दिनों भी चर्चा जारी है कि सरकार संसद में वन नेशन वन इलेक्शन पर विधेयक लाने की तैयारी कर रही। वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ इंडिया गठबंधन है। इसी बीच सोमवार को चिदम्बरम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौजूदा संविधान के तहत वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं, इसके लिए कम से कम 5 संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता। मोदी के बाद लोकसभा राज्यसभा में इन संवैधानिक संशोधन को पेश करने के लिए बहुमत नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संवैधानिक बाधाएं और भी बढ़ी हैं। ये संभव नहीं है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से इसके खिलाफ है। 15 सितंबर को कुरुक्षेत्र में एक रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये कहा कि उसका शाही परिवार दलितों के लिए आरक्षण खत्म करना चाहता। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक वो सत्ता में है वो अंबेडकर के दिए आरक्षण को एक भी अंश तक खत्म नहीं होने देंगे। इस पर पी चिदम्बरम ने आरोपों को खारिज किया और साथ ही उन्होंने चुटीले अंदाज में कहा कि हमें आरक्षण क्यों खत्म करना चाहिए, हम ही कह रहे हैं कि 50% की आरक्षण सीमा को खत्म किया जाना चाहिए, हम जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, हम ही कह रहे हैं कि आरक्षण जनसंख्या के हिसाब से होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की हर बात पर विश्वास ना करें। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा पर उन्होंने कहा कि आमतौर पर कांग्रेस चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं करती। उन्होंने कहा प्रथा ये है कि चुनाव होते हैं, विधायक इकट्ठे होते हैं और उनकी पसंद पूछी जाती है, इस पर हाईकमान घोषणा करता है और मुख्यमंत्री कौन होगा। मुझे लगता है कि हरियाणा में यही प्रथा अपनाई जाएगी। इस दौरान उन्होंने लोगों से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट देने की अपील की और ये वादा किया कि उनकी पार्टी हरियाणा के विकास दर को वापस लाएगी और उद्योगों को बढ़ावा देगी, साथ ही बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे से भी निपटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।